नेमावर चार धर्मशाला राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ की बैठक हुई संपन्न। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा काका जी, साथ ही महामंत्री हेमराज पटेल, समस्त कार्यकारिणी सदस्य रहे उपस्थित। रिपोर्टर ब्रज ब्रज मंदिर है जहां इस देश की 125 करोड़ जनता के भाग्य के फैसले होते हैं, विधानसभा में होते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा। ये लोकतंत्र के भाग्य निर्माता है, आपके भाग्य का निर्माण करते हैं लोग। कल मान लो लोकसभा में पास हो जाए कि गेहूं 5,000 रुपए क्विंटल पास किया जाता है तो आपका भाग्य क्या गया। तो इसलिए जो लोकतंत्र है हमारा देश पूरा, ये हमारे पवित्र मंदिर है, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, यही हमारे भाग्य निर्माता है। दूसरे हमारे मंदिर है, ये जो मठ बने हुए हर जगह आध्यात्मिक मंदिर है, सिर्फ भगवान कृष्ण का मंदिर है, चारों धाम है हमारे, रामेश्वरम है, जगन्नाथपुरी है। ये दो प्रकार के मंदिरों का देश है, एक तो लोकतंत्र का मंदिर और दूसरा आध्यात्मिक और धार्मिक मंदिर। तो मेरे पिताजी जब चारों धाम यात्रा में गए थे तो उन्होंने कहा कि भैया भगवान ने मंदिर छोड़ के दौड़ लगा दी, अब भगवान मंदिर में नहीं है, पुजारी पाठक जी, पूजा करने वाला पापी ब्रह्मचारी, तो वही झूठ रहे, वही भेद बांट रहे, वही दशर की ऐसी गंदी जगह भगवान क्यों रहे। तो भगवान वहां से फलाया कर दीजिए। दूसरा भी मॉडल बिक रहे पर सोयाबीन 2500 रुपये प्रति क्विंटल बिका तो किसान को द्वारा 3,050 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक दर से बेची तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर 3,050 रुपये से ऊपर आप बेचेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक ना मिले। ये चीज समझने वाली अब है, यदि किसान द्वारा 2750 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेची तो 300 रुपये प्रति क्विंटल उसको मिलेगा। यदि किसान ने 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा तो 550 रुपया ही मिलेगा। 2400 रुपया बेच दिया तो 2400 में 550 करोड़ कितने हुए बताओ देखिए क्या है? 2400 में 550 तो कितना घटा हुआ? ये है, इसका मतलब ये है कि 550 रुपये का है 100 रुपये घाटा, तो मतलब 550 ही मिला है आपको, चाहे आपका वेरिएशन जो भी हो। तो ये है एक उदाहरण बताया सोयाबीन का, बाकी इसके पन्ने 5-7 महामंत्री जी को दे देता हूँ, उसकी काफी के आप लोग को बांट देंगे।